गाइस, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं डिजिटल ग्रोथ। आज का हमारा टॉपिक है कि इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर्स कैसे ढूंढते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल चीज़ों पे काम कर रहे हो तो उनमें आ जाता है कि हमें आप गेमिंग से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर ढूंढ के दें इंस्टाग्राम से, या ब्लॉगर्स ढूंढ के दें, यूट्यूबर्स ढूंढ के दें। तो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया होता है। फॉर एग्जांपल, हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर चाहिए जो लेस देन 1 मिलियन जिनके फॉलोअर्स हों, और वो यूएसए से हों, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मैं आज एक रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहा हूँ। तो पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट सुना दूं ताकि आपको पता हो, उसके बाद फिर मैं इन्फ्लुएंसर ढूंढूंगा। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स कुछ यूँ हैं कि हमने गर्ल्स ढूंढनी है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूके और जर्मनी से, सही है? और जिनकी एज हो बिटवीन 15 to 30, और वो कौन डेली बेसिस पे ही कंटेंट पोस्ट करती हूँ। ओके, और इंडस्ट्री हो उनकी मॉडलिंग, फैशन, मेकअप, लाइफस्टाइल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल। इसके अलावा उनके जो फॉलोअर्स हों, फॉलोअर्स ये जैसे वो हों 150K से लेस हों। ओके, और उन्होंने सेल्फीज पोस्ट की हुई हों खुद की, और उनकी इंगेजमेंट जो पिक्चर्स की इंगेजमेंट होती है, जैसे हम देख लें ये इंगेजमेंट क्या है, इसमें 70 लोगों ने कमेंट किया और लाइक कितने लोगों ने किया है, ऑलमोस्ट 40K पीपल ने लाइक किया। ओके, चलो हम अपने क्राइटेरिया को लेके हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज़ में है फैशन, लाइफस्टाइल, मॉडलिंग, मेकअप और फैशन। तो कोई भी हम इंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मॉडल, यहाँ से हम हैशटैग पे देखेंगे कि कितने हैशटैग हैं, क्लिक करेंगे हैशटैग। ओके, तो हमारा क्या क्राइटेरिया था कि गर्ल्स हों बिटवीन 15 to 30, ये लग रही हैं कुछ कम एज की। देखते हैं, प्रोफाइल ओपन कर लेंगे। ओके, तो अभी आप लोग ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये किस कंट्री से है। तो जैसे हमने इसे ओपन किया, यहाँ पे 80 to 90% जो प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे मेंशन किया होता है उन्होंने कि वो किस कंट्री से हैं। जिनके नहीं हो तो उनकी प्रोफाइल से भी पता चल जाता है। इसकी प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं। इसके अलावा देखिए, हमने मॉडल से सर्च किया था, ठीक है, तो मॉडल हैशटैग यूज़ किया है। अभी यहाँ पे देखो, इसने मॉडल से रिलेटेड काफ़ी हैशटैग यूज़ किए हुए हैं, फीमेल मॉडल, मॉडल, टीन मॉडल। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कि आप इंडस्ट्री है मॉडल और आप गर्ल्स ढूंढे हैं, तो आप सिर्फ वो मॉडल नहीं यूज़ कर सकते, हैशटैग और भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मॉडल फोटोग्राफी, इसके अलावा फैशन मॉडल, पोर्टलैंड मॉडल, सेटल मॉडल, टीन मॉडल। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करेंगे फीमेल मॉडल। लेट्स सी के इसका क्या रिस्पॉन्स है। अभी देखें, इसके फॉलोअर्स बहुत कम हैं, तो जिसकी वजह से इंगेजमेंट रेट भी बहुत लो होगा इसका। ये देखें, 124 लाइक्स, 190, 225। तो हमें ऐसे भी चाहिए जिनके इंगेजमेंट रेट 1K से ज़्यादा हो, सही है?
और एक और चीज़, हमें ईमेल भी चाहिए, और क्लाइंट भी ये रिक्वायरमेंट कर सकता है कि ईमेल्स भी हमें चाहिए उनकी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेजेस नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारे काम की नहीं है, क्राइटेरिया पे पूरी नहीं होता है। ये देखें, ये शक्ल से ही इंडियन लग रही है, तो इसको हम टारगेट नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी इंगेजमेंट 0 है, देख लेते हैं वैसे फिर भी। ये देखें, पंजाब से ही है। इंगेजमेंट 0, 1 लाइक। प्रोफाइल्स बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा ये डीप रिसर्च का काम है, वो करना पड़ेगा। ये देखें, इंगेजमेंट अच्छी आ रही है, लेकिन ये लुक्स ऐसे लग रही हैं जैसे चाइनीज़ हो या फिलिपिनी हो। ओके, हम दूसरे चेक कर लेते हैं, ये देखते हैं। वाह, अच्छा इंगेजमेंट रेट है, देखो इसको देखते हैं, ये हो सकती है। हॉलैंड सर्च कर लेते हैं, नेदरलैंड। ये हमारा टारगेट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। मैंने आपको जैसे बताया, 80-90% प्रोफाइल्स का इधर से ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ की। इसका एंगेजमेंट अच्छा है, ये देखते हैं। ओके, ये देखें, इसके फॉलोअर्स हैं 171 के फॉलोअर्स हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 150 के से लेस। ये चेक कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। ये देखें, ये इसने दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा कंट्री है। नेदरलैंड, ये भी स्किप कर देंगे। जर्मनी, ये चाहिए हमें। ओके, अब देखें, काफ़ी क्राइटेरिया इसका हमसे मैच हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये गर्ल है और इसकी एज अंडर 30 है, और इंगेजमेंट रेट भी अच्छा है इसका, सही है। और एक और था कि सेल्फीज भी पोस्ट होनी चाहिए इसका, देखते हैं सेल्फीज पोस्ट की हुई। नहीं, सेल्फीज नहीं पोस्ट की हुई। तो कुछ क्राइटेरिया मैच हो रहा है, लेकिन 100% नहीं है, तो हम स्किप कर देंगे। ये देखें, लॉस एंजलस कैलिफोर्निया यूएसए, इसको ओपन करते हैं। ओके, ये देखें 127 की, ये क्राइटेरिया हो गया, गर्ल है और यूएसए की है, ये भी हो गया क्राइटेरिया। अब हमने ये देखना है कि इसकी सेल्फीज इसने पोस्ट की हुई है, वीडियो तो बना के दी हुई है। सेल्फी चेक करेंगे, एक और बात, आपको जब भी कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट करेगा इन्फ्लुएंसर ढूंढने की या ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम से, तो उसकी थोड़ी जो है रिक्वायरमेंट्स, वो डिफ़िकल्ट होंगी। बहुत कम ऐसे होता है कि रिक्वायरमेंट्स इजी हो, तो इजीली वो हम इन्फ्लुएंसर ढूंढ लें। तो अगर आपको कोई इस तरह का क्लाइंट आता है, तो उसको चार्ज भी आपने अच्छा करना है, काफ़ी चार्ज करना है, क्योंकि ये डीप रिसर्च का काम है। सेल्फीज पोस्ट नहीं है,
हम इसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट डीसी, ये भी यूनाइटेड स्टेट में आता है, ये देख लेते हैं हम। ओके मॉडलिंग सही है। इंगेजमेंट रेट कम है, इसको भी स्किप कर दें। ओके ये ओपन करते हैं, ये भी ओपन करते हैं, ये भी देखते हैं। ये देखें, ये किसी और कंट्री की, स्किप। इसका एंगेजमेंट रेट भी कम है, लेकिन ये छोटी बच्ची है, इसको नहीं हम टारगेट कर रहे। कैलिफोर्निया, ओके ये दो भी चेक किए हमने। ओके ये देख लेते हैं हम। ये सेल्फ एक्सपोज की हुई है, ओके ये चेक करते हैं। इसके फॉलोअर्स ऑलरेडी कम हैं, जिसकी वजह से एंगेजमेंट रेट भी लो होगा। ये देख लेते हैं कहाँ के, इसके फॉलोअर्स कम है, एंगेजमेंट रेट भी लो है। सेल्फीज तो पोस्ट की हुई हैं इसने, लेकिन वीडियोस का एंगेजमेंट अच्छा है, और लेकिन फोटोज का एंगेजमेंट लो है। ये इटली की हैं, ये भी स्किप। ये देख लेते हैं कुछ और भी इधर से। वुमेन फैशन, वुमेन विद स्टाइल, फीमेल मॉडल, कुछ और भी ओपन कर लेंगे। ओके फैशन ब्लॉगर, ओके अब ये है कि ईमेल भी दी हुई है इसकी, फॉलोअर्स भी कम है, लाइफस्टाइल फैशन, और एक चीज़ रह गई है वो एंगेजमेंट रेट। आई थिंक सेल्फीज भी पोस्ट की हुई हैं, ये देखें एक दो। ओके और एंगेजमेंट रेट सही है, बस 500-600 आ रहा है एंगेजमेंट रेट। ये देखें 1700-600-600, तो हम इसे टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट रेट काफ़ी पिक्स पे अच्छा आ रहा है, और सेल्फीज भी पोस्ट की हुई थी इसने, आपने देखा ऊपर। ये देखें एक और, ओके ये हमें यहाँ पे यूज़र नेम, स्किप कर देंगे, यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक, और यहाँ पे उसका फॉलोअर्स लिख लेते हैं, यहाँ पे उसके ईमेल। ओके इसे हम फ्रीज भी कर सकते हैं, सेल को हम शीट में जा भी जाएंगे तो ये यहाँ पे इधर ही रहेगा फ्रीज, हमें शो होता रहेगा। ओके उसके बाद क्या, ये इसका लिंक हो गया इंस्टाग्राम का,
ये उसका नाम हो गया, ये उसकी इमेज और ये उसके फॉलोअर्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद ओके, इसे देखिए, ये चिल्ली की है, ये देखो कंट्री आ रही है, स्किप कर देंगे। एक और एग्जांपल ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक को एंड करते हैं। इंगेजमेंट रेट अच्छा आ रहा है, इनका थोड़ा कम आ रहा है, 248, इसका भी इंगेजमेंट रेट अच्छा आ रहा है। ये रशिया, स्किप से ओपन कर लेते हैं। इसके फॉलोअर्स कम है, इंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा आ रहा है इसका। ओके, इसका इंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा इंगेजमेंट रेट है। इसने सेल्फीज भी पोस्ट की हुई है। ओके, लेकिन देखना ये है कि ये क्या लिखा हुआ है इसने। समझ नहीं आ रही कुछ। ओके, खैर, इसका ये नाम और ये इसका फॉलोअर्स, ये इंस्टाग्राम लिंक हो गया और इसने सेल्फीज भी पोस्ट की हुई हैं। अगर ईमेल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ईमेल 60-70% ईमेल आपने देनी होती है क्लाइंट को। 100% कोई भी नहीं कहता कि आप 100% दो हमें। तो बाकी इस तरह से आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको फैशन इंडस्ट्री दी हुई और कहा गया है कि इन्फ्लुएंसर ढूंढो, तो आपने क्या करना है, फैशन से रिलेटेड जितने भी हैं वो आपको मिलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ओपन करोगे तो आपको देखो फैशन से रिलेटेड कितने मिल गए, फैशन, फैशन ब्लॉगर, वुमेन फैशन, फैशन डायरीज, फिर स्टाइल भी फैशन में आता है, फैशन डिटेल्स, आउटफिट पोस्ट फैशन में आता है, आउटफिट सीरीज, तो आपने ये ढूंढ लेने। सही है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।